देर इज नथिंग रॉन्ग विद दीज कास्टिंग डायरेक्टर्स आप कास्टिंग बेशक करो लेकिन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ सीनियर एक्टर समबडी हु नोज द जॉब एंड समबडी हु डजंट नो द जॉब जिसको काम नहीं आता है बट वेर द एक्टिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न ऑल द एक्टर्स ऑन टेलीविजन मस्ट लर्न दे आर नॉट स्टार्स दे आर आप भी कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 32 इयर्स में कोई भी कारण बी इट्स ओवरवर्किंग व्हाटएवर गॉन इनटू अ डार्क स्पेस मेंटली यस हेलो दोस्तों मैं हूँ महेश ठाकुर और आ, मैंने अपनी सारी बातें जो दिल में हैं क्या कहते हैं कि जो लोग मुझसे पूछते नहीं हैं सिद्धार्थ कानन ने मुझसे वो सारे सवाल पूछे हैं और मैंने कोशिश की है उन सब के जवाब देने की तो अगर आप मुझे देखना चाह रहे हो इन अ कंप्लीट कैंडिड इंटरैक्शन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कानन शो विच इज़ ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब now नाइनटीन टू में फिल्म की शुरुआत एज एन एक्टर एंड देन सडनली नाइनटीन नाइनटी फोर तू तू मैं मैं, थर्टी टू ईयर्स ऑफ महेश ठाकुर बड़ा भारी लगता है ना थर्टी टू ईयर सुनने में थोड़ा सा मैं डर जाता हूं सहम जाता हूं थर्टी टू ईयर हो गए मतलब <laughs> ऐसा वाला जैसे मैंने कहा जवाब आए थे मैंने, मैंने कहा यार ऐसा रिएक्शन दिया सर बोलने लगे

and then we had uh, Poonam Das gupta and we had one artist from the south called sunena hm aur uh, chandr sharma ki film thi uh, mera pehla break tha wo uh, the casting was too hilarious jis tarah se casting bhi hui thi they were searching for a hero called a dancing hero okay तो उन दिनों में the newcomers were, were searching for dancing hero types you know ke matlab jo to when my audition was to dance it wasn't to act

सो हिंदी वॉज नॉट माई लैंग्वेज तो जब वैन आई ज्वाइन द इंडस्ट्री सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे होना होने वाला था वो था लैंग्वेज लैंग्वेज प्रॉब्लम तो स्क्रिप्ट रोमिन में लिखा जाता था मेरे लिए एंड नहीं तो वो तो हिंदी है तो आई एम द गाई हु बाद मैंने देवनागरी सीखी यू नो सो आई लर्न ट फॉर द फिल्म एंड देन मेरे नुकते में बड़े प्रॉब्लम हुआ करते थे मैं प्रोनाउंसिएशन तो मैंने जबान साफ की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो दैट्स बीन माई जर्नी My God. Yeah. <laughs> uh, तो वो पिक्चर पिटी कि चली पिक्चर एक्चुअली चली थी बट नॉट इन मेन सेंटर्स ओके वो कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था कि जो मेन सेंटर्स में जो लोग चलाना चाह रहे थे लेकिन उन दिनों में बड़ी बड़ी फिल्म आया करती थी नो न्यू कमर्स फिल्म टू डि वेरी वेल लाइक सलमान की जो फिल्म मैंने प्यार की है, वो आई थी एटी नाइन में hmm. तो आफ्टर दैट सब नए नए लड़कों के साथ फिल्म बनाने लगे एंड बट देर वॉज नो मार्केटिंग एज सच Hmm. मतलब दस प्रिंट लगा दिया अब दस प्रिंट में क्या होगा पब्लिसिटी ठीक से करो उन दोनों में सिक्स शीटर्स लगते थे यू you नो know, तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम बट इंटीरियर्स में बहुत चली फिल्म तो so अभी YouTube में आपको देखने को मिलेगी अरे सब मैं तो पक्का <laughs> सच में आपको तो मेरे माइंड पढ़ लिया मुझे लगा कि यार मैं जाने वाला हूँ क्योंकि पूनम दास गुप्ता उन जमाने में आई मीन शी वॉज लाइकम टाइम अरे आप उनके साथ टच में हो कि नहीं बीच बीच में यू नो शी इन्वाइट्स मी फॉर बर्थडे पार्टीज एंड फॉर चिल्ड्रर्थडे अभी इंडस्ट्री में नहीं है इसकी अवेयरनेस नहीं है मुझे काम इतना फैल गया है कि कौन क्या कर रहा है हमें कुछ पता ही नहीं अच्छा तो दो साल बाद आज क्या टू टू मई में बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं एक्चुअली uh, मेरी जाने में के बाद एक फिल्म आई थी काला सच अच्छा हाँ काला सच आई थी uh, वो फिल्म वॉज वेरी गुड स्क्रिप्ट लेकिन uh, वो वो एक्सपेरिमेंटल experiment, फिल्म थी वो ये थी कि उन लोगों ने वीडियो पे शूट किया उसके बाद फिल्म में ट्रांसफर किया सो द ट्रांसफर प्रोसेस में फिल्म वॉज वेरी डार्क द एंड रिजल्ट तो थिएटर में इतनी चली नहीं लेकिन uh, वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है एक्सिलेंस स्टोरी वो भी थी उसके बाद मैंने छोड़ दिया मैंने बोला नहीं करना है फिल्म नहीं करनी है उसके बाद तो तू मैंने क्यों फिल्में नहीं लिखा आप हो गए थे डिसल्यूशन टोटली मुझे नहीं लगा कि दिस इज फॉर मी दैट टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो जिस तरह के लोग थे यू you नो know, सारे चीज सब सॉरी मतलब जिस तरह के लोग मुझे मिले बड़ी बड़ी बातें करना ये करना वो करना मैं कई लोगों से मिला हुआ नॉट द राइट पीपल मुझे लगा ये क्या हो रहा है दिस इज़ नॉट वर्क इट्स अ अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री ना फिल्म इंडस्ट्री इज़ अनरे रेगुलेटेड फाइनेंस कहाँ से आता है रिकवरी कैसे होती इट्स कम्प्लीटली नॉट रेगुलेटेड ना बैंक लोन तो कभी मिलता नहीं था प्रोड्यूसरों को उन दिनों तो हाउ डू यू रेगुलेट इट्स अ टोटली अनरेग्युलेटेड इंडस्ट्री देर वेरी फ्यू बिग प्लेयर्स जिनों के पास फाइनेंसर थे ये जैसे राष्ट्राज फिल्म हो गए या बी आर चोपड़ा फिल्म हो गए राजम्स देवर दिग वस यू नो सो दे वेरी फ्यू बिग बड़े बड़े जो है तो बाकी जितने भी प्रोड्यूसर्स है सारे ऑल वॉन प्रोड्यूसर्स तो मैं उसमें अटक गया तो उसके बाद मैंने हाथ जोड़ दिया मैंने नहीं करना ये सब वाला काम मैं बिज़नेस फैमिली का हूँ मैं वापस अपने फादर को ज्वाइन कर दूंगा एंड काम करूँगा तो आई डू इट इफ आई लाइक द प्रोजेक्ट इफ आई लाइक समथिंग यू नो उसके बाद देन टेलीविजन है ना उसके बाद ही टेलीविजन है डी डी पे उसके बाद जी स्टार्ट हुआ उसके बाद सोनी स्टार्ट हुआ उसके बाद आई आफ्टर जी आई गॉट हम साथ साथ है

तो वो क्या वो भी है नहीं हो गया कि देयर मस्ट हैव no. बीन प्रोसेस तो, किया तो, तो, प्रोसेस प्रोसेस ये था कि सचिन जी ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स ओके सचिन जी ने ही वाज सर्चिंग फॉर मी उन्होंने मुझे देखा था एक मैंने फिल्म की थी सूर्यपुत्र शनिदेव तो किस पुत्र क्या शनिदेव शनि देवी देव, पिक्चर थी ये एक पिक्चर थी टी सीरीज के लिए आ तो वो उन लोग वीडियो फिल्म्स बनाया करते थे यू नो भक्ति वाले हां

कोई <laughs> नहीं है तो उसके बाद वेरी वेरी नाइस थिंग हैपेंड कि मैं एक ऑडिशन के लिए गया था फॉर एन एड फिल्म और उस एड फिल्म में जब मैं बैठा था ऑडिशन के लिए तो मेरे बगल में एक बंदा आया था एंड ही टोल मी, ही मी सेज आप महेश हाँ ठाकुर ही सेज सचिन जी इज सर्चिंग आउट फॉर यू सो आई ठीक है इज नंबर प्लीज कॉल मतलब बायकते दे मेरे हाथ में उसका मोबाइल उसका टेलीफोन नंबर देखे गया ऑफिस का तो आई थैंक टमेंट आई कॉलिंग फोर ये कौन था उसका नाम दिनेश थानेश क्यों किया उसने मेरे लिए कैसे हुआ एक मतलब ऑडिशन रूम में बैठ के ऐसे नंबर किसी दूसरे एक्टर को देना कि भाई आपको याद कर रहा है कोई और मेरा कास्टिंग होना तो आई से रोलोवा तो, मज़ा आता था बहुत सारे भी करता था। Because after, जी, जी, दो फिल्में नहीं चली तो मैंने छोड़ ही दिया तो उसके बाद एड फिल्म बहुत होने लगे तो जो मुझे पैसे मिले थे फिल्म के लिए दैट वॉज क्वार्टर ऑफ आस्किंग पिक्चर के लिए थी वो पच्चीस हजार दीवानी वाली फिल्म के लिए पूनम वाली ट्वेंटी yes, मिले भी थे कि नहीं दिया मिले थे जो हम लोग करते हैं

कोई भी हो तो ये आजकल का दौर है एंड पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाई आई हैव टू ऑडिशन फॉर अ रोल बट देन आई इट यार सब कर रहे हैं मैंने मेरे आंखों के सामने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को ऑडिशन देते हुए देखा है बोला तो ये, ये है लेकिन ऑडिशन फॉर द राइट पार्ट ऑडिशन फॉर द राइट रोल डोंट जस्ट ऑडिशन फॉर द दैक ऑफ ऑडिशन यू नो और ये बीच वाले जो इतने आ गए ना हैक वाले मतलब तो जो सबसे करवाते ऑडिशन ना तो उन लोगों का कुछ ठिकाना है बस ऑडिशन टेप भेजना है क्यों भेजना है कि पता पता चला है कि वी नो दिस आर्टिस्ट हम इस आर्टिस्ट को जानते इसलिए वी गॉट ऑडिशन ये हो गया जो मिडिल मैन जिसे कहते हैं ना दे आर नॉट इवन कास्टिंग डायरेक्टर्स दे आर कास्टिंग डायरेक्टर्स सर्चिंग फॉर आर्टिस्ट इम्प्लॉइंग पीपल एंड दोज पीपल आस्किंग फॉर ऑडिशन एंड देन दे गेटिंग ऑडिशन टेप्स एंड देन दे रनिंग एंड बिकमिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स ये पूरा ऐसा हो गया इट्स कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है इनफैक्ट नासिर खान आए थे मेरे शो पे हाँ

पर ये मत कराओ कि मैं छह फुट एक इंच का हूं hmm. मैं ये एंड वेरी बैड, आफ्टर दैट इतने लोग आउट तो मी that, you know, आज तक मैंने जितना भी काम किया है record, आज तक मुझे सामने से फोन आया है लेस देन टेन परसेंट लेस देन टेन परसेंट थर्टी टू इन में नाइन परसेंट ऐसे ऑन द फोन

कि बोला कि तो वाज़ देयर हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट आर्टिस्ट थे जाने-बचाने किसने सो जब मुझे फोन आया था तो आई मेड इट वेरी क्लियर आई से एक बात मुझे बताओ सिर्फ इसका इसका जवाब दो अगर मैं ये रोल नहीं करूंगा पर अगर मैं नहीं तो वो सेकंड ऑप्शन बोला हम वी वांट यू ओके डिट डिसी थिंग वो सब बाद में डिस्कस करते पहले हम लोग शूट स्टार्ट अगर किसी और का नाम लिया होता तो आई सेकंड ऑप्शन नो प्रॉब्लम मे बी आई वुड नॉट बी सो इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम जस्ट फीलिंग अशू देखो एन आर्टिस्ट बहुत जरूरी होता है ये जानने के लिए कि दैट दिस रोल इज यू और कोई नहीं है और ये कन्विक्शन डायरेक्टर के दिमाग में होना चाहिए राइटर के दिमाग में होना चाहिए अगर ये कन्विक्शन ही नहीं उन लोग के दिमाग में तो फिर वॉट आर द डूइंग उन लोग तो फिर वो पैसे बना रहे हैं मतलब किसी को खुश कर रहे पर तो बेसिकली यही है जैसे क्रिएटिव फॉर द क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्रिएटिव की क्रिएटिविटी की बात करता हूँ द ना विल नॉट कॉम्प्रोमाइज आई वर्क विद आर जी वी सत्या वेन आई वर्क विद आर जी वी सत्या बिफोर दैट आर जी वी हैड टेकन मी फॉर अ मूवी कॉल नॉट अ लव स्टोरी वो जो मरिय सुशिया राज बनी थी फिल्म बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म ही गिव मी अ रोल ऑफ द डायरेक्टर एक ही सीन था फिल्म में the द डायरेक्टर ट्राइज टू प्रोड्यूस दिरोइन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ही सर कैन वी डू अन रीड थ्रू नो ऑडिशन रीड थ्रू तो जब मैं उनसे मिला था आई डे अ रीड थ्रू ही लाइक डी सर चलो शूट करते हैं डेट वेट फिक्स हो गई थी अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार पड़ गया तो मैंने फ़ोन किया मैंने बोले एक ही सीन है मेरे को नहीं करना है मैं बीमार पड़ गया हूँ आर जी वी वेटेड लगता माई गॉट जॉन्डस आई वेटेड ही वेटेड वेटेड टिल आई गोट ऑल राइट एंड देन ही कैप द शूट उसका शेड्यूल चल रहा था बाइक हे ही कैप द शूट शूट के बाद मुझे आके कहता है कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू

आप उसको अलग नहीं कर सकते हो आजकल क्या हो गया ना कॉर्पोरेट माइंडसेट सबको अलग कर दो हम डिसाइड करेंगे कौन क्या नहीं कर सकते हो भाई आपको अगर वो चाहिए ना तो ये तीन चीजें हैव टू बी अमेल्गमेटेड उन लोग को मतलब एक घुल मिल जाना है डायरेक्टर राइटर एंड एक्टर ये तीन चीजें हमेशा इट हैज बी वन सिंगल टीम अफकोर्स कैमरा मैन गुण बी पार्ट ऑफ इट बट दिस इज योर मेन टीम ये अलग अलग कास्टिंग करना ये कास्ट लो इसको डायरेक्टर को ये राइटर सामने वाला इंसान मेरे में बिलीव करता है मैं तीन गुना ज्यादा इनको देने वाला हूँ करेक्ट आई गिव इट ऑल दैट आई पैसा बाद में बात करेंगे सब चीज करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट राइट right? hmm. uh,

एंड वी हैड सचिन जी हुड ए फैन टेस्टिक सेंस ऑफ कॉमेडी मतलब वो कॉमेडी सेंस सचिन जी के अलावा नॉट सीन वेरी मेनी पीपल पुल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ कॉमेडी सेंस ही एक होता है कॉमेडी करना एक होता है कॉमेडी सेंस वॉट लुक्स फनी ऑन स्क्रीन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं एक होता है कॉमेडी करना ओके hmm. okay, जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं क्या कॉमेडियन एक्टर है लेकिन कॉमेडी कॉमिक सेंस कि ये सीन विल वर्क ऑनो उनमें ये बहुत था तो जो बेशक स्क्रिप्ट आता था लेकिन इस शॉर्ट डिविजन वॉट ही वॉन्टेड दी एक्सप्रेशन वो एडिट पर भी बैठते थे तो ही न्यू वेरी वेल सो टू वर्क विथ हिम वॉज फैंटेस्टिक वॉट अ लर्निंग एक्सपीरियंस वॉट अ लर्निंग एक्सपीरियंस तो जब तू तो मैं में रिलीज हुआ था तो ऑफकोर्स देर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु दिनों में नो सेटेलाइट टी वी वज इट वॉज ओनी डी डी और वहाँ पर टी आर पी ऐसे नहीं आते थे कि तीन चार टी आर पी टी आर पी होती थी फिफ्टी

तो इसे अगर आपको भगवान का रोल वगैरह ऐसा नहीं है सर भगवान आई कृष्ण जी एंड ऑल आई प्रे एंड ऑल तो तो तो, मैं कभी ऐसे मतलब बेयर बॉडी कभी नहीं आऊँगा मैं अच्छा तो यू नो वट ही डिड सचिन रोट एन एपिसोड <laughs> भगवान बना दिया <दे> आपको <laughs> भगवान बना दे कि एक ऐसा एक एपिसोड है ना मुझे बताया भी नहीं था मैं सेट पे आया तो मुझे कॉस्ट्यूम बता रहे धोती ऐसे ठीक है उसके ऊपर ज्वेलरी

घंटे का ब्रेक शाम को फाइव ओ का ब्रेक एंड नाइन ओ क्लॉक तो एक सीन उन्होंने शूट किया जहां सूरज बाथरूम में जाता है दरवाजा बंद करता है सो वेट टॉयलेट ओके उसके बाद आई विल नॉट से कट लीव बी बंद कर देंगे दस बजे वो शॉट लिया कि मैं मतलब सूरज जी फुल आई माई इन माय फुल इमोशन में जाके बाथरूम में जाके थार करके बंद कर रहा आई एम वेटिंग बोले कि अब कट 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 बोलेगा 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 एक मिनट हो गया दो मिनट हो गया तीन मिनट हो गया चार मिनट हो गया दस मिनट हो गया मैं निकला ही नहीं, निकला ही नहीं। आराम से मैं वो पीक करके देखता हूँ अंधेरा कोई नहीं है सेट पे सब चले गए तो माने आप दस मिनट थे जीरो आइडिया के सब कट चुके हैं बिकॉज एवरी इन ऑन इट सबको पता था कि मेरे साथ ये करने वाले हैं

एंड एक कंफर्ट लेवल हो गया था तो आई थिंक पहले सेकंड डे में आई वाज कंप्लीटली कंफर्टेबल विथ विथ हर हाँ विथ हर एंड वो अगर आपने सीन्स पढ़े होते थे तो द बी वन लाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर विद यू तो सास बहू की तूतू में मैं चलती थी तो तीन पेज का डायलॉग है एंड पेज में चौथी लाइन मेरी एक लाइन उसके बाद कुलदीप की एक लाइन उसके बाद मेरी एक लाइन उसके बाद रीमा और फिर सुप्रिया ऐसा मतलब सीन था तो सचिन जी आजकल के जमाने में क्या वी कट लाइन भूल गए तो कट ही इट शुड गो थ्रू आउट अगर किसी ने मिस्टेक किया रीशूट मिस्टेक किया टेक वन मोर टेक सो मैं बहुत डरता था कि मतलब एंड में आई हैव टू फॉलो दैट डायलॉग कि मेरा भी वक्त आएगा मुझे डायलॉग बोलना है और कहीं पे मैं भूल गया री नर्वस स्टैंड ओवर दै और कई बार ऐसा होता था कि तू तू ना चल रहा है मैं खड़ा हूँ वो खड़े साइलेंट है सचिन जी वेट कर रहे डायलॉग कब बोलेगा महेश जी बहुत स्वीटली मुझे बोला था मैंने आपको रेडियो के टाइम में सुना तो 94 फोर मैंने स्टार्ट किया था करेक्ट चौदह साल का बच्चा था मैं करेक्ट तो हम लोग क्या करते थे मैं बात करता तो देखिए अभी अगला गाना जो आ रहा है तो मैं सीडी लेता था हाथ में uh. में सीडी प्लेयर मैं डालता था खुद uh. फिर म्यूजिक फेड करता था तो बात कर रहा हूँ म्यूजिक अंदर करेक्ट uh. और ये मैं साइमल्टेनियसली कर रहा होता था मैं बोल रहा हूँ सी डाल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ सी प्लेयर म्यूजिक फेड कर रहा हूँ तो उस समय कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ नहीं था ना ये करेक्ट तो मुझे अपना आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन वॉट आई एम सी फोकसिंग ऑन द दी डी उसके बाद जब कंप्यूटर का जमाना आया रेडियो में मैं सारा वन टेक में करता था सर hmm. मुझे वो आवाज क्लिप करना फंबल निकालना सब होता ही था बिकॉज दैट वॉज रियल स्कूल जो आपका रियल स्कूल स्टार कैसा था मैंने दैट वॉज प्रोबली शायद

शूट वाइज मैं दस दिन बिजी था महीने में दस बारह दिन main, जब स्टार्ट हुआ था काफ़ी फ्री टाइम भी मिलता था उस हिसाब से नो नो एवरी कम uh, और कम ऑन ऑन और थिंक यू दैट जगजीत सिंह का गाना चलता था मंज़िल हवा ते हवा का रुक ऐसा कुछ था। वे <laughs> Uh, उस वक्त आई नो दोनों आपके बच्चे कॉमेडी एंड ड्रामा करें बट कौन सा प्रोजेक्ट क्लोजर टूर हार्ट था क्या ज़्यादा मुश्किल था आपकी वॉट आई वॉज गिविन बाय रवि जी वॉज समथिंग एल्सुगेदर रविज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ आनंद राय हु पॉपुलर टूडेज आनंदो वॉज ऑन दो रवि वॉज अ वेरी गुड राइटर एक्सलेंट एक्सलेंट राइटर मतलब अगर आप मुझे बोलो कि देखिए दो किस्म के राइटर्स होते हैं एक होते हैं कि जो डायलॉग्स लिखते हैं hmm. एक होते हैं जो डायलॉग लिखते हैं जो जबान पे बैठ जाते हैं गुलजार साहब इज वन एंड आई हैव वर्कड ऑन गुलजार साहब स्क्रिप्ट ऑल्सो एक कहानी और मेरी मैंने की थी आराम से डायलॉग याद हो जाते थे बिकॉज उसकी लिखत ऐसी थी जब ग्रामर ऐसे मतलब इट्स अबाउट फ्रेमिंग द देंटेंस राइट सो रवि जी ऑल्सो यूज टू गिव वेरी गुड फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेज एंड अ लॉट ऑफ डेप्थ उनकी जो थाट वेरी डीप तो वो समझना बहुत जरूरी था सो दैट वॉज अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस टू तो मैम ए वॉज अबाउट टाइमिंग अबाउट डायरेक्शन अबाउट कॉमेडी सेंस एंड दिस वॉज अबाउट इमोशंस तो दीज टू स्कूल्स ट्रेंड मी एट अ वेरी यंग एज दो स्कूल्स थे बाय दो स्कूल्स जैसे होता है ना एक बेटा अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा होता है राइट सर बोलता है अच्छा इसको कॉमेडी सीन करवा दो जमाने में करते थे ना कॉमेडी सीन करवा ड्रामा करवा दो हॉर्स सीन करवा दो विदाउट हैविंग अ फादर प्रोड्यूसिंग दीज मोमेंट्स फॉर यू खुद ब खुद ड्रामा भी दिखा दिया कॉमेडी भी दिखा दिया और सीखने को मिला मतलब आ, मैंने एक चीज नोट की विच आजकल लोग समझते नहीं है कि वो लंबे डायलॉग देख के ना वो डर जाते हैं जब आपको लंबा डायलॉग दिया जाता है मोनोलॉग इज वेयर यू कैन प्ले विथ योर इमोशन यू कैन नॉट प्ले विथ योर इमोशन विथ स्मॉल डायलॉग्स कर सकते हो ऑब्वियसली इफ यू आर ट्रेनड एक्टर दो लाइने में इमोशन निकालना लेकिन इफ यू आर ट्रेनिंग अगर आप इमोशंस के साथ आ, आ, आप अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो सो मोनोलॉग इज़ ऑलवेज हेल्पफुल बाय द टाइम यू गेट टू द इमोशन यू अंडरस्टैंड ओ ये इमोशन यहाँ से निकलता है मुझे ये फील करना पड़ता है ये लाइन इस लाइन पर ज़्यादा इमोशन है सो यू नीड टू रीड द लाइन यू नीड टू रीड द डायग्स यू टू अंडरस्टैंड इट्स अ स्टडी मोनोलाग्स में ये so, रवि जी राइट मोनोलॉग्स शॉट ऐसा था कि आप वहाँ से चल के आ रहे हो और यहाँ पे शॉट ख़त्म होगा मैं पूरा टेली में शूट कर रहा हूँ तो मी एंड रेणुका जी रेणुका शाह जी वी टू स्टार्ट वॉकिंग कमिंग आराम से शूट हो रहा है नाओ वील डू क्लोज तुम्हारा पीछे सेम डायलॉग इन क्लोज फॉर बोथ एंड देन एडिट करके अच्छा सा सीन होता था पीछे जगजीत सिंह के गाने चलते थे एंड वी आर परफॉर्मिंग सो वेरी लवली सीज इज़ टू कम आउट सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज एन एक्टर टू अंडरस्टैंड दैट मोनोलॉग्स हेल्प यू ट्रेन एज एन एक्टर आज कल आई डोंड ए मोनोलॉग बिकॉज आप मुझे दो लाइनें दे दो बोलो ये इमोशन ही है फट से निकल के आ जाएगा लेकिन उन दिनों में इट वॉज इंपॉर्टेंट टू ट्रेन उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कितना बुरा एक्टर था मेरी जाने मन में बट इट वॉज नॉट योर एक्सप्रेशन इट वॉज ऑस्कर जी ऑस्कर जी ने अपना गलत एक्सप्रेशन बताया हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट हुएर्ट्स चमसू बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो चेकआउट मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है And the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar, machao. Two projects, ha, don't, don't be humble. Hmm. I know you're humble, but I <laughs> genuinely challenge you. People talked about Rajesh stardom for films. Hmm. For some bada stardom. But you were the first wave hmm. of. Proper actors for hmm. Indian television, ji, right? Ji, ji, Appointment ji. viewing, जो कहते हैं, इस time पे बैठ के देखना. True, true. वो stardom या appreciation from the audience क्या था? You can tell me, instance, and hmm. don't underplay. जैसा था वैसे बोल दीजिए, please. Nee, I'm not underplaying. The thing is, I never consider. I'll be very honest with you, <coughs> okay? I have not considered myself a star till today. मतलब I'll tell you an instance. भटसाब, महेश भटसाब. मेरा बच्चा Two he used to love to be on my shoulders, okay? And he used to love to go on a walk to Lokhandwala, meaning the market, me, not in the building. So I used to take my son on my shoulder, and I used to walk in Lokhandwala, and whatever he used to like, I used to buy for him and bring back. Once Mahesh Bhardwaj was passing, by, he stopped the car and he rolled down his window. He says, Mahesh. I said, Sir, how are you? He said, what are You on the road? <laughs> I said, just, Lokhandwala, you know, I live in Lokhandwala. I have come to the market. He said, I am very appreciative of this.

Oh God. हाँ, हाँ, वो ब्लैक कॉल्स किसका है ब्लैंक कॉल है बोला आप ही का होगा फोन हाई हेलो बोलो एंड देन टू गिगल ऑन द अदर साइड पुरडा वो सब हुआ था एक्सपीरियंस्ड इट ऑल कभी कभी पार्टी पे चला जाता था तो समी वॉज टू बी फ्रेंड यू बिना वजह बातें करना बिना वजह यू नो पुटेड योर शोल्डर आई नो यू लाइक फ्राम थाउजेंड ई नो तो ऐसी ऐसी चीज़ <laughs> To happen, बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स एक बार तो ऐसा हुआ मैं बताना भूल गया तो uh, I, I don't know this where this where woman is right now. She landed up home हाँ. मेरे घर पे मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त ओके okay? मेरे घर पे आई एंड शी बॉट हम मदर एंड घर पे बैठी गई मतलब जब मैं घर पे आया मेरी दादी मैं दादी वॉज अ स्वीट हार्ट सो सम स्ट्रेंजर एज कम इन द हाउस शी मेडर सिटन साइड टू लेडीज़ वन यंग एंड उसकी माई है शी से महेश ठाकुर एंड शी था और मे बी प्रोड्यूसर है या कुछ है यू you नो know? तो, तो बिठा दिया चाय वाय फिला रही है बिस्किट खा रहे मैं बाहर गया था कुछ काम के लिए जिम गया था मैं। तो मैं वापस आया तो मेरी दादी ने दरवाज़ा खोला जैसे आ जा आ जाए तेरे लिए कोई मिलने आया है ना ठीक है कोई होगा प्रोड्यूसर तो आई एम सींग दिस यंग लेडी विथ मदर एंड हाई महेश जी सी गैट्सअप अच्छी कौन है क्या है क्या हो रहा है कुछ आइडिया नहीं है मैं अपनी दादी को देखे जा रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रेंजर्स को क्यों बैठाते हो घर पर मतलब कुछ तो होगा माँ बोलती है देखो बेटे मेरी बेटी की उम्र हो गई है शादी करने की लिटरली आई स्क्र में झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरी बेटी की उम्र हो गई है शादी <laughs> करने की बोला <laughs> ओके okay, मैं, मुझे लग रहा है कि शायद मूवी एंड यू आपसे बहुत प्यार करती है आपका काम देखा है एंड शी लाइक्स योर वर्क एंड शी लाइक्स शादी कर लीजिए is... <laughs> 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 मेरी दादी खड़ी हो गई वहाँ से किचन में चली गई मैं अकेला वहाँ पे मैं my पेटनी हूँ मुन्ना मुन्ना मुन्ना

देखो so बहुत अच्छी बात है ये बट आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिजर मुझे तो बहुत कुछ करना है मैं वेट कर लूंगी आप बस हाँ बोल दीजिए हम वेट करेंगे एक साल दो साल ऐसा कुछ नहीं मोह मीठा करो ओपन वो जो मिठाई का डब्बा वगैरह लेकर भी आई थी वो अपने साथ इज वन एक्चुअली एक्सपीरियंस आई गोन थ्रू ये मेरे साथ हुआ है तो माने आपने कटाया कैसे

So bits and clips। have been busy shooting, sorry. But Anyways, बताता क्यों हाँ, हाँ. अगला इसी build up है हाँ, हाँ, हाँ. तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका नाम और आपका नाम हुँ. अगर कोई भी प्रोजेक्ट में था हुँ. वो चैनल अप्रूव कर देता था मस्ट be। मस्ट <laughs> be माने क्या बताओ ऐसा था? मेरे साथ ऐसे हुआ है कि uh, yes, we वी वेरी पॉपुलर डेफिनेटली हमने एक शो किया था साथ साथ

साथ साथ मैंने ये साथ, साथ शो भी करा था जो सीमा जी के शोजे बहुत सारे शोज साथ, साथ चलते थे। फाईव, फाईव शोस। सारे वीकली थे so तो तो कितना होता था आपका रेट उस टाइम में उन दिनों में बीस हज़ार पर एपिसोड अच्छा ओके पर डे नहीं होता था पर एपिसोड होता था सो अगर आप एपिसोड में एक शॉट भी हो या आप पूरा दिन मतलब आपने एपिसोड काम एट ट्वेंटी

हम आपके है कॉन उसके बाद हम हम आपके है शी शेर डन एंड शी हैड हेर लॉट स्टोरीज अबाउट द दरजातियर्स टू मी तो वीज टू ऑल दीज टू शूट फॉर सैलाब एंड जो मैंने उनके साथ काम किया है तो बहुत सी कहानी ऑलरेडी थी प्लस आई वॉज वर्किंग विद रीमा लागू राइट फो तू तुम तो उनके जबान से भी शी शीज टू प्रेज अ लॉट रा पीपल सो आई ऑलवेज हैड अ डिजायर टू वर्क विद राज के भाई ऐसे अगर प्रोड्यूसर मिल जाए हु ट्रीट यू यू सो वेल एंड नो हुए मेक तो मेरी कास्टिंग भी बहुत ही अजीब सी हुई थी यू विल नॉट बिलीव कैसे मेरी कास्टिंग हुई इस प्रोजेक्ट में hmm. मतलब इट इज जैसे कि भगवान ने चाह था तो हुआ क्या था इन वे बैक जब uh, कास्टिंग हो रही थी hmm. तो हम आपके है कौन रिलीज हो गई थी इट वॉज अ फर्स्ट मूवी टू क्रॉस टू हंड्रेड क्रोर्स तो ऐसे कहा जाता है जाता है कि बहुत सारे बड़े प्रोड्यूसर्स टू ब्लैंक चेक्स टू सूरज हैं टू साइन उन्होंने मना कर दिया था लिटरली ये लिखा गया है इफ़ यू सी द फिल्मी सर्किट मैगजीन दैट ही ये प्रोड्यूसर जाके ब्लैंक चेक दे के आया ही इज़ नॉट दे वांटेड टू वर्क विथ हिम एंड ही इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर राजश्रीज हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट कॉल्ड हम साथ साथ है जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं ही नोज देम ऑल एंड ऑल वुड बी रेडी टू वर्क विथ हिम करेक्ट सो दिस वॉज द सिनारी अब मैं दरार कर रहा था लेक टंडन जी के साथ एंड लेख जी एक दिन आके मुझे कहते हैं कि महेश यू स्पीक स्पेनिश यस। हाँ तो मेरे एक दोस्त है उन्होंने एक फिल्म डब की है वो स्पेनिश में तो इंडस्ट्री वाला कोई नहीं है बताने के लिए कि ये डब ठीक हुई है कि नहीं बिकॉज ये फिल्म अभी स्पेन में बेचना है तो कैन यू गो एंड चेक डबिंग उसमें क्या है डबिंग ही चेक करना you know. ये तो चले जाओ चले जाओ ऐसे ठीक है तो फोन आया बोला कि सो एंड सो थिएटर मैंने पूछा नहीं कि कौन प्रोड्यूसर है क्या है

उसको हमने स्पेनिश में डब किया है वो आपको देखना है तो उनके मिनी थिएटर थे मैं बैठा वहाँ पे मुझे पैड और पेन दिया था और मैंने पूरी फिल्म देखी स्पेनिश में एंड आई मार्क्ड इट कौन है क्या है कैसा है मतलब डायलॉग्स एवरी थे उसके बाद आई वेंट एंड गिव माई लिस्ट राजू जी सेज मैं आपको सूरज जी से मिलवाना चाहता हूँ सूरज जी ओ ग्रेट तो फिर चला गया नेक्स्ट कैबिन में सूरज जी उठे लेकिन मैंने काम नहीं मांगा work, कास्टिंग चल रही थी हम आपके क्यों, क्यों नहीं मांगा नहीं यार मुझे क्यों लेगा मैं तो टी वी कर रहा हूँ ये है वो तो in him, yes him, बड़े बड़े ही हाँ, मतलब मिले थे मिला क्या मतलब कि ठीक है ना, It's not a give and take. मैं ये कभी नहीं सोच के गया था कि मैंने ये ये किया, मेरे लिए आप क्या ये मेरा attitude नहीं था, कभी नहीं लाइफ में करो तो करो उसके बाद भूल जाओ. होता है ना. So I met him. जब मैं निकला, गर्ल फ्रेंड टाइम शी आस्किन जेलरी इतना बड़ा डायरेक्टर ये बोला आई नो वो सारी चीजें हैं लेकिन यार मेरे लिए शायद कुछ नहीं होगा और अगर होगा भी तो डैट हेयर यू नो मैं निकल गया दो दिन बाद मुझे फ़ोन आता है ऑफ़िस में बुलाया है मैंने बोला ठीक है आई वाज दैट टाइम नो तो आई वाज रिहर्सिंग एट सफायस कॉलेज सफायज कॉलेज में रिहर्सल एक थिएटर शो कर रहा था ये सीमा जी वाला प्ले मेड फॉर ईच अदर ये रिहर्सल चल रही थी और uh, घर पे फोन आया था तो मैंने घर पे फ़ोन किया तो uh,

तो नेक्स्ट डे वॉज द स्टोरी सेशन मैंने स्टोरी सुनी आई वॉज ब्लोन आउट ऑफ माई माइंड ऐसे हीरो का रोल है कम्प्लीट आनंद बाबू का रोल मतलब थ्रू आउट द फिल्म थ्रू आउट द फिल्म उसके साथ इतना कुछ होता है ये है वो है आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड मुझे करना है बाबू जी से नो नॉट ना हो वैसे मतलब मतलब हम आपको 24 घंटे देते सोचने के लिए बिकॉज दिस इज बिग कमिटमेंट आपको बहुत सारी डेटे देनी पड़ती है एंड विल स्टार्ट मेकिंग कॉस्ट्यूम्स अकॉर्डिंग टू यू चीजें अकॉर्डिंग टू यू बहुत सी चीज़ें होती है आप इसके बारे में सोचो सोचना क्या है हाँ आप होगा सोचना क्या है लिटरली मैं घर गया वैसे भी 24 घंटे के बाद मैंने ज़रूर फ़ोन किया मैंने बोला यस एम ऑन द प्रोजेक्ट एंड माई कास्टिंग हो गई थी साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल आई गॉट द फर्स्ट बिग ब्रेक आई वुड से इन टेलीविज़न में तो था ही था ही बिग ब्रेक इन और उसके बाद लुकिंग बैक तो पूरी इंडस्ट्री आपको पहचानने लगी लगी जानने कि आप कौन हो आज तक जानते बिकॉज़ ऑफ़ द मूवी है है आपका जो करियर रहा डेस्टिनी इत? yes. yes. कर तो yes. uh, इतने सारे एक्टिस्ट थे क्या वाकई में पारिवारिक था सेट्स पर बिकॉज सलमान थे थे सैफ ऑल दीज बिग नेम्स ऑफ बॉलीवुड सबसे पहले तो क्रेडिट uh, विल गो टू सलमान खान सलमान भाई द फर्स्ट वन जब uh, पहला दिन शूटिंग का था तो ही केम टू माय मेकअप वैन तो क्या हुआ था मेरे साथ मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ जब मैं आया था तो ये महबूब स्टूडियो में शूट चल रही थी तो दे देट गॉट दीज मेकअप वैन राइट आर्ट खड़े कर दिए थे दिस वॉज फॉर

दो मिनट के बाद प्रोडक्शन बारा कम्स बिहाइंड मी सेज नो नो ऐसा नहीं है आप यहीं रहोगे उनका रूम वहाँ पे है दे हिम ओवर है मतलब उसको ड्राइवर और बॉय को भेजा वो आर्टिस्ट को पता नहीं था उसको वहाँ भेज दिया सो दैट्स एक्चुअली द फर्स्ट डे तो मुझे लगा ओके दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी उसके बाद मैं थोड़ा सा मायूस हो गया बोला यार ये सारे दिग्गज लोग लेट मी बी क्वाइट तो मैं आज जाके अपने मेकअप वैन में मेकअप करके कपड़े पहन के वेट करता रहा कि मुझे कॉल आएगा कट टू एंटर्स सलमान भाई बनियान में फाइन बैठ उधर चाय पीते और फीलिंग क्या है क्या नहीं है जोक्स सूस करने लगा ही मेड मी फील सो कम्फर्टेबल द बिगेस्ट स्टार ऑन दोकोर्स द मूवी एंड एवरी थिंग सो वो जेस्चर उनका वो सो स्वीट एंड आई नो हेम बिफोर ही बिकेम अ सेलिब्रिटी बिफोर ही बिकेम सलमान खान बिफोर ही गॉट मैंने प्यार किया बिफोर स्टैनस लॉस

all these cute girls used to walk over there we boys used to walk on the other side <laughs> checking on <out> the girls and <laughs> all हमने सब ऐसा सब किया था उन दिनों में और और यू नो म्यूजिक लगा के लोग चिक 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 और उन दिनों में ऐसा होता था वो फ़िएट गाड़ी में दे used to put this music system right and used to put full volume so the girls used to look at the guys driving the car <laughs> that used to be the thing तो ये सलमान सोहेल अरबाज आप लोग सब नॉट्टी बॉयज थे

वो स्कूल वाला बॉन्डिंग था पर जब हाँ, ये सूरज भर भरजातिया की मीटिंग हुई हाँ जी। आपको मालूम था सलमान थे उस फिल्म में या, 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 या। पर आपने सलमान को कभी फोन करके बोला नहीं कि अच्छा तुम भी कर रहे हो मैं भी कर no, रहा हूँ बिकॉज यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनिजम इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू नो आई मीन आईवेजेंस के अपना काम करो मे बी अपना रिलेशनशिप बिटवीन पीपल यू वर्क विथ हेस्ट्री मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर्मल एक फॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है वर्क एटमोसफी वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो मैं पढ़ता रहता हूँ कि पीपल आर अ फाइट ऑन द सेट आर्टिस्ट ने झगड़ा किया इसके साथ झगड़ा हो गया मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ तक बात पहुँची कैसे यू नो क्या क्या ऐसा कर दिया तुम लोगों ने कि आपने आप ये भूल गए कि दिस इज़ योर वर्क इट्स ए वर्क जोन यहाँ पे काम होता है ना सो पीपल डू नॉन सेंस ऑन द सेट्स आई डोंट लाइक टाइम पे आओ टाइम पे काम करो लाइनें याद करो फोकस ऑन योर वर्क अब घर जाओ सपोज टू बी दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल डोंट डू देट नाउडेज आई मीन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ टेक इट टू योर रीडिंग इसका इससे झगड़ा हुआ इसका ब्रेकअप हुआ इसका रोमांस हुआ इसने छोड़ दिया शो एक्चुअली एक्चुअली समडी टोल मी दट कॉन्ट्रैक्ट नाउडेज दट यू कैन नॉट है फेज ऑन सेट विदर अच्छा ये क्या बोलने की चीज़ होती है लेकिन अ पेरेंटलीस कम डाउन टू दैट

वो जो एक शो चल रहा था गर्ल किल्ड तो, तो कह रहे किल्डर से है बट पीपलटिंग ऐसी ऐसी चीजें बहुत कॉन्ट्रोवर्शल हो जाती है माई टेक इज वेरी सिंपल एज एन एक्टर कम ऑन द सेट वर्क डू योर वर्क गो होम आगे पीछे मत बात करो बिकॉज एवरी डे यू योर इमोशंस राइट

लफड़े नहीं, लफड़े इज़ ओनली बीन फॉर प्रोफेशनलिज्म वेयर आई पुल अप पीपल इफ दे आर नॉट टूइंग द लाइन मुझे कोई इशू नहीं है बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट टूइंग द लाइन फिर आई विल पुल यू अप मतलब कई बार ऐसा होता है ना टेक यू फॉर ग्रांटेड टाइप्स मेरी अच्छाई को डोंट कमजोरी मत कमजोरी मत समझो आई एम आई एम बीइंग प्रोफेशनल आई एम नॉट बीइंग नाइस आई एम बीइंग प्रोफेशनल सो ये लोगों को समझ में बहुत दिक्कत होती है तकलीफ होती है कि अगर आपने वी डिसाइडेड समथिंग कि भाई ऐसा है इन केस यू वांट टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट यू वांट टू चेंज द वे ऑफ वर्किंग पहले बात करो डू नॉट डू इट दैट आई स्टार्ट यू नो अगर मैंने आपको एक शिफ्ट टाइम दिया कि भाई मैं नौ बजे से पहले नहीं आऊँगा और आपने साथ की शिफ्ट लगा दी है और आप फिर बोले कि महेश जी नहीं आए साथ की शिफ्ट है। लेकिन अब ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हम नौ बजे की शिफ्ट में आएंगे तो फिर ये सात पे क्यों लगाई तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो होगा ही hmm. मैं कुछ बोलूँगा नहीं लेकिन जिससे मुझे बात करना है मैं उससे बात करूँगा ऐसा नहीं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ आई वर्क यू नो टाइम पे आऊँगा टाइम पे जाऊँगा टाइम पे मुझे मेरे चेक्स मिलने चाहिए वहाँ पे डिले हो गया तो फिर आई विल नॉट लाइक इट और अगर डिले होना है तो प्लीज़ कम्युनिकेट फर्स्ट विथ मी डो नॉट टेक वी फॉर ग्रांटेड कि ठीक है यू नो थिंग लाइक दैट तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई यंगर एक्टर न्यूअर एक्टर आराम से आ रहा है आपने उनको मेरे साथ तो आईव सीन बट यू नो द एबिलिटी टू वर्क विद एवरीबॉडी इज़ व्हाट मेक्स यू एन एक्टर मतलब हर एक इंसान के साथ आपको काम करना चाहिए यू शुड बी एबल टू गेट अलोंग विद एवरीबॉडी अब यू जो जितने सारे नए एक्टर्स आए हैं मैं सबके साथ काम कर रहा हूं एंड किसी को मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैंने देखा है दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो विद प्रोफेशनलिज्म कंसर्ट अ लॉन्ग वे अ लॉन्ग वे कैसे पेश आना क्या करना क्या नहीं करना

I genuinely don't know a lot of the TV actors nowadays. आप लोग जब करते थे हमारी relatability आपके साथ बढ़ जाती थी कर, अब छह महीने में आया गया किसी को कुछ connection ही नहीं no connection and मुझे क्या लगता है ना आजकल जितने भी producer directors डायरेक्टर्स they are also become uh, come under the corporate uh, क्या है, स्टार को स्टार है? मैं, मैं <laughs>

मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चंपर्स टी शर्ट्स हुडीज़, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे

इट वॉज सो एम्बिगुस क्या हुआ था ये तो न्यूज़ वालों ने काफ़ी उछाला है क्या है कुछ निकला तो नहीं था आई मीन यू मी एज अ ऑडियंस यू नो हैव नॉट सी एनी थिंग देपर वट एवर द न्यूज़ पीपल वाइपिंग इट बिकॉज सलमान का नाम जुड़ा हुआ था सैफ का नाम जुड़ा हुआ था सो so मीडिया वाले ने जो इन्जॉय किया इन्जॉय किया बट द फैक्ट इज़ दैट नथिंग केम आउट एट दफ़ इट सो फॉर एन ऑडियंस फॉर अ पर्सन द मीडिया फेड इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी बहुत सारा नेगेटिविटी फील कर दिया था कि इसके शूटिंग के दौरान ये हुआ था वो हुआ था बट वी ऑन सेट वॉट आई एक्सपीरियंस वज ओनली द शूट कॉट कैंसल जो हम शूट कर रहे थे जोधपुर में वो जोधपुर वाला शेड्यूल कैंसिल हो गया और हम वापस चले गए और यही हमने सोचा था कि वेन कैन बी ऑल गेट टुगेदर एंड फिनिश द फिल्म रिलीज़ इट ऑन टाइम नाइन्टी नाइन में रिलीज़ हुआ था ना फिल्म सो सो फिल्मर एंड नाइन्टीन तो जब आप लोग रीग्रुप रीग्रूप टू फिनिश द फिल्म जी वही बिंदास फैमिली वाला एटमॉस्फेयर था कि यार सब लोग थोड़े ऑब्वियसली स्ट्रेस थे डायनामिक्स no, चेंज हो गई थी अंदर की वाइब no, बदल चुकी थी ऐसा कुछ नहीं था इट वाज नॉर्मल बिकॉज़ आई थिंक एवरीबॉडी न्यू एवरीबॉडी यू नो ऐसा कुछ नहीं था कि आपने किया है क्वेश्चनिंग काम है एज आई टोल्ड यू डज देयर वर्क सो वो जो प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं वो वहां पे बहुत आराम से नजर आई मुझे कि दिस इज हाउ वर्क इज डन यू वर क्लोज टू द राइट से, course, से

वो डिप्रेशन में चली गई थी शी वेंट थ्रू अ वेरी वेरी हार्ड टाइम आपने उनके साथ ससुराल के फूल में काम किया था राइट right. ऑनेस्टली भी कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 32 इयर्स में कोई भी कारण के केसेस बेबी इट्स ओवरवर्किंग व्हाटएवर गॉन इनटू अ डार्क स्पेस मेंटली यस कब था रिसेंटली रिसेंटली uh, मेरे साथ एक्चुअली बहुत बुरा हुआ है पता नहीं अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो कि नहीं क्या हुआ था इट्स सब जुडिश अभी भी चल रही है मामला चल रहा है बट येस इट वॉज टू डील विथ माई फैमिली माई मेरी अपनी फैमिली जो है एंड ही टुक advantage ऑफ दैट information एंड uh, चीज़ें वहाँ से फिसलती गई एंड या चीज़ें सब जुडिश है आई कैनॉट टॉक बिकॉज मीडिया वाले बहुत चाह रहे थे कि आई ओपन अप मैंने बोला नहीं

वो कोई एमए लोग नहीं थे दे अंडरस्टूड देर आई केम फ्रॉम तो मुझे मुझे हेल्प किया गया था बायकाय हेल्प किया गया है बिकॉज दे अंडरस्टूड द स्पेस कमिंग फ्रॉम अब ये आप बोलो कि बिकॉज आई एम फेमस या जो भी है लेकिन जिस तरह के लोग मेरे सामने मैंने जिनसे भी बात की जो मेरा प्रॉब्लम था दे गाइडेड मी हाउ टू कम आउट ऑफ इट प्रॉपर गाइडेंस जो मुझे रिक्वायरमेंट थी जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी गाइडेंस जो हाथ मेरे सर पे चाहिए था मुझे मुझे मिला एंड आई कैन ओनली दिस थैंक्स टू गॉड Only God, okay मतलब ये एक ऐसी चीज़ है लाइफ में जब आपके साथ होता है आपको सीखने को बहुत मिलता है डेफिनेटली यू लर्न अ लॉट राइट बट लाइफ चलती रहती है यार लाइफ डार्क टाइम्स कम दे गो और ये बताना कि डार्क टाइम्स कम एंड गो वाज माय माय ओन फैमिली said, भाई सब ठीक हो गए यार आई एव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लाइफ में मैंने जीरो से स्टार्ट किया आई एव रीच द पोजिशन नॉट बिकॉज ऑफ़ एनी बडीज हेल्प आई एव रीच बिकॉज ऑफ गॉड भगवान की वजह से भगवान की दुआ है सो आई प्रे टू गॉड मैंने भगवान को बहुत प्रार्थना की आई आई एम अ शिव भक्त ओके एंड आई प्रे टू गॉड लॉर्ड शिवा एंड भोलेनाथ है वो ही टुक मी आउट ऑफ ऑल द रोड ब्लॉक्स जो भी रोड ब्लॉक्स थे सारे ऐसे ऐसे खुलते गए

ये सर हम क्या लेकर आए हैं मैंने बोला कुछ नहीं क्या लेके जाएंगे बोला कुछ नहीं तो फिर हाँ। मैं हूं ना तेरे साथ तू बोल तेरे को क्या चाहिए जो तू बोलेगा मैं तेरे साथ हूं बस तू टेंशन मत ले तू जा जॉगिंग के लिए जा टेक केयर ऑफ ए है तेरे पास फैमिली है ये है वो है यू डोंट टेक वन स्ट्रेस ऑन एंड ही टुक केयर ऑफ मी लाइक आई वुड से भगवान का रूप था मेरे लिए ही जस्ट टूक केयर ऑफ मी कंप्लीटली नॉट इवन मी

आपको एक लॉजिक दी जो हुँ. देखा जाए बड़ी बेसिक लॉजिक है करेक्ट बेसिक है ना बेसिक है वो सुना आपको हाँ लिफ्टेड यू आप या ही सेड फॉर एनीथिंग आई एम देयर ये बोलना ही काफ़ी था बिकॉज रिमेंबर इन माय प्रॉब्लम आई लॉस्ट आउट ऑफ फैमिली एक परिवार था मेरा परिवार ने जो भी किया था और दूसरे जो लॉयर आया था ही यूज ही यूज दिस वीकनेस ऑफ माइंड टू टेक आउट द मनीज तो ये तो आई लॉस्ट मोर देन फाइनेंस आई लॉस माय इमोशनल सेल्फ आल्सो जो होता है बैलेंस उस वक्त काम भी नहीं था सो हाउ डू आई डील थिंग्स तो किसी का ये बोलना ही काफ़ी था टू टेक योर ऑफ डिप्रेशन मोस्ट ऑफ़ दीपल टू डिशन बिकॉज है एक शोल्डर जिसे कहते हैं ना कि मुझे तकलीफ से निकालना अगर एक दोस्त मिल जाए अगर कोई भी हमदर्द मिल जाए ना वो गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे वे विल नेवर गो टू द एक्सट्रीम स्टेप लोग एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं बिकॉज आई फील दे डोंट हैव दैट वन पर्सन दे कैन टॉक टू एक वन पर्सन यू जस्ट नीड वन पर्सन एंड देन सॉर्टेड यू कैन ट्रस्ट हाउ ब्यूटीफुल ये मैं बहुत मानता हूँ यार बहुत मानता हूँ कि यू जस्ट नीड एड वन पर्सन रुक नहीं और कुछ नहीं एक कि आपको जब आप नीचे हो या डार्क स्पेस एंड बिकॉज मेरा जो सबसे ज्यादा टूटा था वो ट्रस्ट न वॉट इज अब लव अब लव इज ट्रस्ट प्यार के ऊपर क्या है ट्रस्ट, भरोसा अगर आपका भरोसा टूट गया है आप तो खत्म हो गए हो ना पैसे आपका भरोसा वापस नहीं लाएगा नो no. भरोसा टूटा है अपने आप पे भरोसा टूटा है योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गॉन सो फॉर मी माय सेल्फ कॉन्फिडेंस माई ट्रस्ट इन पीपल ऑल दैट है डार्क स्पेस इट्स नॉट एन इमोशनल ब्रेकअप कि लोग बोलते मेरा इमोशनल ब्रेकअप हो गया तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ इट इज़ बियॉन्ड 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 इंटायर फैमिली ओकेडर माई ओन ऑल माई मनी एवरीथिंग यू नेम इट टेल मी वॉट नॉट आई हैव गई मीन आई डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट सब जुडिश मैं बात नहीं करना चाह रहा आई डोंट वॉन्ट सिम्पतिज फॉर पीपल बट आई वॉन्ट टू टेल दम वन थिंग दो चीज़ें आपकी मदद करेंगी वेन यू हैव ए बैड इन डार्क डेज नंबर वन डोंट लूज योर फेथ इन गॉड यूर हेयर इन दिस वर्ल्ड ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ गॉड आपकी जो सांसें चल रही है ना किसी की वजह से नहीं चल रही भगवान की वजह से चल रही है दो सेकंड में आपको हार्ट अटैक देखे वो बुला सकता है अगर उसकी अगर वो उसने चाह तो आप रात चलते हुए गाड़ी आपको उड़ा के ले सकती है यू आर हेयर ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड ये सबसे पहले और नंबर टू वेन एवर यून द डार्क स्पेस यू नीड वन पर्सन टू पुल यू आउट एक ही बंदा वो तो बंदी बंदा जो भी है यार एक इंसान बस टेक तो यू आउट ऑफ दैट क्या आपने बहुत सारे दोस्त बनाए इंडस्ट्री में नहीं आई एम नॉट द पर्सन टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज एवरीबडी इज अ कलीग तो मैं सबके साथ आई लव पीपल द वे दे आर आई रिस्पेक्ट दम फॉर वे दे आर वे दे कम फ्रॉम एंड आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक ये चीजें मैं करता नहीं हूँ आई डोंट पार्टी लेट नाइट आई कान अवेक

Uh, एक पर्सन जो सबके सामने है डेली बेसिस पे हम उनको देखते हैं टेलीविजन हो डिजिटल हो yes. उनको अनैक्ट करना वॉज इट वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स इन योर जर्नी यस एक तो सबसे पहले कोई ये रोल करे तो ही वुड हैव बिकम ओवरनाइट सेंसेशन, ओके तो जब ये रोल मुझे बहुत कमाल का है आई गॉट द रोल सो मुझे बुलाया गया था फ़ोन पे आए तो सबसे पहले जो सवाल मुझसे उठाया गया है हाउ बोल्ड आई यू हाउ बोल्ड आई यूट आई यू बोल्ड बोल्ड आई यू मैंने बोला क्या सवाल है नहीं नहीं रोल है इसलिए पूछ रहे मैंने बोला जितना बाल है उतना है। नहीं आपका हेयरलाइन अप और डाउन बोला आपको देखना पड़ेगा आपके हिसाब से uh -huh. तो मुझे बुलाया गया था ऑफिस में मैं चला गया ऑफिस में एंड बिफोर आई एंटर्ड देस्ट्यूम ट्राई तो मैं कॉस्ट्यूम ट्राई के लिए चला गया तो so, मुझे पता भी नहीं था कि वॉट्स द रोल आई एम बीइंग कास्टेड नो कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए चला गया दे टुक माय मेजरमेंट्स आई केम डाउन एंड द नरेशन स्टार्टेड ऑफ द ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट रोल आई एम डूइंग मतलब इट्स अ पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल में इतने सारे किरदार यू नो हैडी सो फिफ्टीन मिनट्स डाउन द लाइन आई स्टॉप सर आई सेट्स माई रोल मोदी सो कैजली मोदी 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 सर नरेंद्र मोदी जी सर हाँ यू आर द मेन पर्सन सो आई सेड सर डू आई लुक लाइक मोदी जी हम आपको वो मेकअप में करवा लेंगे आपको कॉन्फिडेंस है मैंने मुझे तो कॉन्फिडेंस है तो बस अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो हमें कॉन्फिडेंस है यू डोंट वरी वी नो यू कैन डू इट नो ऑडिशन नो नथिंग मुझे टेप्स दिए गए थे ऑडियो टेप्स हाउ ही स्पीक्स गए थे दिए गए थे एंड एक बंदा जो मुझे उनकी जो भाषा है जिस तरह से बोलना एक ट्रेनर दिया गया था बस एंड आई द कैरेक्टर एंड यू सी द शो उसका जो ट्रेलर है आई ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो वो शो है पे चल रहा है आई थिंक जियो सिनेमा इज परचेडो जियो सिनेमा भी देखने को मिलेगा आपको तो यार हर स्टेप पे आपके चैलेंजेस आए राइट एंड दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ एक्साइटिंग एट टाइम्स राइट इतना बड़ा लंबा करियर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग जी वो कौन सा रोल था या कौन से जो तीन प्रोजेक्ट्स है दैट यू okay, से इज पार्ट ऑफ योर टीवी लॉजी दैट मेक्स यू वेरी प्राउड ओके सबसे पहले आई वुड से डेफिनेटली तू तो मैं आई वुड से शरारत ओके आई लव डूइंग शरारत मुझे बहुत मजा आया था शरारत करने में राजीव मेहरा के साथ था थ्री कैमरा सेटअप पहली बार मैंने फेस किया था कि पूरा पूरा सीन एक शॉट में निकालते थे एंड आई थिंक वन मैंने किया है कैरेक्टर इतना yes, yes, the उन्होंने ध्यान दिया था जब भी कैरेक्टर की एंट्री होती है तो स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक विच इज टू प्ले तो मैं

ओके okay, सो so शरारत द कॉन्सेप्ट वॉज हिलेरियस के मतलब आप uh, तीन विचेज के इर्द गिर्द रहते हो आपकी माँ आप, आपकी सास आपकी वाइफ और आपकी बेटी तो दे ऑल लिव इन द सेम हाउस सो दैट इज वन थिंग और ये उसको ये पसंद नहीं कि उसकी सास भी उसके साथ रहती है दॉट दैट कि ठीक है मैंने एक परी से शादी कर ली है बेटी भी पैदा हुई है वो भी परी निकली है लेकिन सास क्यों आती रहती है <laughs> तो यू you नो know, तो दैट वो इज फैंटेस्टिक वो जो uh, जो हमारा था विद फरीदा जी एंड लव इट लव इट्स नाक लंबा करना कभी पार्ट ऑफ दस्ट लवरी कमाल का था शो कहीं आपको लगता है कि हमारा एंटरटेनमेंट बिजनेस क्योंकि आपने इतना देखा हुआ है

जी राइट सेट्स पे लड़ाई झगड़ा तो कहीं आपको लगता है वो इनसेंस चला गया है टीवी इंडस्ट्री में इनसेंस uh, नहीं कहूँगा बट या इट्स बिकम टू कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गया है एवरी थिंग इज अबाउट मनी एवरी थिंग इज अबाउट कॉस्टिंग एवरीथिंग इज अबाउट वो जो क्रिएटिव प्रोसेस जिसकी वजह से कोई एक्टर एक्टर बनता है वो नहीं रहा आजकल अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि आप एक्टर बनना चाहते हो तो बोलते यार मैं स्ट्रगल हूं आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग आई डोंट लाइक दैट वर्ड स्ट्रगलिंग यूर एन आर्टिस्ट यू नो अगर आप आर्टिस्ट हो तो कैमरा खड़ा करो एंड अपना परफॉर्म करो यू गॉट सो मेनी प्लेटफॉर्म्स टू डू गो प्रोड्यूस अ प्ले फॉर योर सेल्फ यू नो डू इट वाई यू वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन टू यू आप करो ना चीज़ें करो यूर एन आर्टिस्ट आपको रोकता कौन है यू you नो know, तो फॉर मी आई एम सींग एवरी थिंग सो कमर्शलाइज कि एवरीबडी वॉन्ट्स

पहले इसका प्रोजेक्ट पे पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे मैं अगर इतने पैसे लगाऊंगा इसका डबल होकर निकलेगा कि नहीं वहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ से शुरुआत मत करो गेट योर स्क्रिप्ट गेट योर एक्टर्स गेट योर डायरेक्टर सारी चीज़ें एक अच्छी सी चीज़ बनाओ उसके बाद सोचो मैंने सुना बहुत सारी कहानियाँ जहाँ पे मैं सुनता हूँ कि टीवी प्रोड्यूसर ने इनको छः महीने तक पैसे नहीं दिए जी ये सब ऐसा आपके साथ हुआ है कभी हुआ था आई डोंट डोंट वांट टू टेक टेक नेम्स नो आई वुड आस्क यू हुआ या हुआ है Wow. और बिला को इवेंचुअली इवेंटा अच्छा बॉडी के पास गए जाना पड़ता है दैट्स द द रीजन बॉडी इज देयर उन लोग बॉयकॉट करेंगे आपको काम नहीं करने देंगे वो सिंटा के पास वो पावर है जितने भी दूसरे आर्टिस्ट हैं वो सब बॉयकॉट कर लेंगे उन लोग को पता चलता है नाम खराब होता है इट्स नॉट अ गुड थिंग जो प्रोड्यूसर्स करते हैं दे शुड नॉट डू इट बिकॉज एवरीबडी यू नो सब काम कर, काम ही तो करते हैं पेइंग समबडी फॉर देयर जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑनर दैट जैसे उस टाइम पे एवरी आर्टिस्ट उस स्ट्रीट में तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्टिंग नाइनटीज अर्ली टू थाउजेंड मैंने जो सुना है क्योंकि मैं कुछ टी लोगों को मैं बुलाता हूँ मैंने इन्जॉय देयर कंपनी लर्न फ्रॉम दे वो लोग कहते हैं कि उतना रिस्पेक्ट नहीं रहा है मैंने uh, अगर आप प्रोड्यूसर की नहीं सुनते हो या कुछ होता है तो आउट नेक्स्ट ऐसे होता डू यू थिंक दे वर राइट इन सेइंग दिस आई हम नॉट कम अक्रॉस दैट बिकॉज आई थिंक रिस्पेक्ट आप कमांड करते जैसे मैं कहता हूँ कि इफ़ योर प्रोफेशनल यू कमांड रिस्पेक्ट नो मैटर वॉट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको निकाल ही देंगे वो तो कोई भी निकाल देंगे आप चाहे स्टार हो नॉन स्टार हो इतनी सारी फिल्में बनी हैं उस पर मतलब जो सुपर स्टार्स को एक फिल्म आई थी आई थिंक हुआ है हमारे सुपर स्टार्स के साथ भी हुआ है स्टोरी अबाउट गुरु दिलीप कुमार पुराने जमाने के वेर uh,

आपके इतने लंबे करियर में कौन सा फेज था जब काम नहीं था hmm, I think it was, um, एक बार इंडस्ट्री इंडस्ट्री स्ट्राइक स्ट्राइक पे पे गई थी, if you remember. Hmm. पूरी टीवी इंडस्ट्री, सब पे गया था। not sure, था, 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 था। था वो 2008 2006 पता नहीं एक एक बार इंडस्ट्री स्ट्राइक पे गई थी वो पूरा साल मुझे काम नहीं मिला था टीवी बंद था टीवी जो शोज चल रहे उन्होंने बन ही नहीं रहे थे And then, uh, uh, उसके बाद आई डिद्दी चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस पार्ट फिल्म ऑफिस ऑफिस दैट वॉज माईड ये इतने सेविंग्स थे कि आप फ्लोट कर रहे थे कि नहीं प्रोफेशन विच हमको पता नहीं कि कल काम है कि नहीं है फॉर एन एक्टर वेरी इम्पोर्टेंट है चीज़ेंट यू हैव टू डू द ग्राउंड वर्क नहीं तो आप कुछ भी काम उठाओगे कुछ भी काम करोगे और फिर आप इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे सो एज एन एक्टर यू हैव टू फर्स्ट फाइनेंशली लिटल इंटेलिजेंट के अपना बना के रखो डों काम करते जाओ एन एक्टर सी नो टू अट इज दन कैन बी सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलोगे तो आप आपके साथ बिकॉज हमारे पास डेट सी तो है महीने में तीस दिन है अगर आप तीस के तीस दिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट को दे देंगे तो यार आउट ऑफ इट यू हैव टू बैलेंस है सो पास्ट हुए भाभी में उनके साथ आपने काम किया था क्या मेमरीज हैं उनके लवली मेमरीज वेरी स्वीट वेरी नाइस नॉट ओनली भाभी

गुड मेमरीज ऐसा कुछ नहीं था वेरी गुड वेरी स्वीट पर्सन बहुत अच्छे इंसान थे वेरी क्लोज टू असिस्टर तो जो मुझे लगा कि सिस्टर भी साथ में चली गई भगवान ने बुलाया दोनों को इट इज़ सो अमेजिंग अगर आप मुझसे पूछोगे ये चीज़ें कैसे होती हैं आपके और मेरे पास जवाब ही नहीं होंगे जो चमत्कार मैं देखता रहता हूँ कि दो इंसान जो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे सेम दिन सेम डे चले गए सेम डे ऐसे कैसे ये छोटी छोटी चीजें यू यू स्टार्ट फोकसिंग ना दैट सबकी जिंदगी में भगवान का हाथ है सबकी जिंदगी में एक ऐसा बंदा नहीं है जिनकी सर के ऊपर भगवान का हाथ नहीं है आई कैन टेल यू दैट जस्ट है आपने सलमान के साथ फिर काम किया जेहो में यस yes. <laughs> अक्षय के साथ सेल्फी में यस yes. आदित्य रॉय कपूर के साथ आश के टू में यस yes. राइट right. uh, वो एक एक्टर जिनको आप दूर से देखते हो फिल्म सेट पर hmm. जो आपने कहा यार मैं बहुत सीखता हूँ वो कौन है आई थिंक दे ऑल स्टार्स सारे स्टार्स है दे नो दे प्लेस दे वर्क अच्छा काम कर लेते हैं I think all of them have something to give to the audience and to the artists around. Definitely, जैसे कि अक्षय की बात है, तो he is very particular on timing. हाँ तो जो time बोलता है, वो time पे आता है, time पे जाता है। uh, Salman he'll keep the whole set alive. कभी मायूस नहीं होगा वो set, कभी serious नहीं होगा, हंसी मजाक चलता है। पर नहीं लोग कहते हैं वो मुड़ी भी हैं। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है बिकॉज आई वर्क इन जय आई वर्क विद हम साथ मैं कहूंगा एंड अफकोर्स आदित्य रॉय कपूर फर्स्ट फिल्म एज ए हीरो तो ही वॉज वेरी स्वीट बहुत अच्छा इंसान था इनफैक्ट मुझे याद है जब हम जा रहे थे uh, 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 yeah, जा रहे थे, तो वी ऑल फ्लाइंग इन द सेम एयरलाइन तो ही वॉज वेरी कंसर्न इफ यू आर सेटिंग टूगेदर ऑन आपकी सीट कौन सी है मेरे लिए अरे आई एम सिटिंग हियर यू आर सिटिंग देयर आई से इट्स ओके डोंट वरी सर आपका बैग सर द बैग्स आर कमिंग दिस वेरी रिस्पेक्टफुल व्हाट आई लाइकड अबाउट हिम यू नो एंड ही डजंट नो मी आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट में मिला हूं मैं उससे यू नो द स्मॉल जेस्चर्स शो यू एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन इज आर आई रियली मीन दैट यही है ट्रू yes. पर्सन के जो जो असलियत होती है ना ये इसी yes. के थ्रू दिखता yes. है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि मेरे लिए सारे कलीग्स हैं दे ऑल कलीग्स

जो कैमरा बच्चन जी फेस कर रहे हैं हम भी वही कैमरा फेस कर रहे हैं स्क्रिप्ट भी वही है जो स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं इट्स जिस परसेप्शन यू नो बॉडी ऑफ वर्क ऑल द सुपर हिट बच्चन साहब इज गिवेन और वो प्ले करता है कुछ लोगों के दिमाग में सब के दिमाग में आपके दिमाग में भी बिग फैन ऑफ इज बट वैन आई वर्क विथ हिम सो डाउन टू अर्थ सो हम्बल इतने हम्बल इंसान

टेलीविजन पे आई yes. सहारा पे था yes. और आप उनके ऑपोजिट थे आई स्वीट हार्ट एंड लिव इन आई वर्क उसकी जो उसका जो भाव है ना वेरी काइंड ओके क्या है बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी वाज इन वाज कोई उसके करीब नहीं जाता था अगर वो कुर्सी पे बैठी है तो लोग छः सात फुट की दूरी में आ आते जाते थे नो बडी यूज टू वॉक क्लोज ओके दिस वॉज द टाइप ऑफ स्टार्ट एम बी टॉकिंग अबाउट कि हिम्मत नहीं होती कोई सामने शी सिटिंग ओवर अ अ मेकअप साड़ी विद एवरी प्रॉपर यू नो एंड नो बडी शॉर्ट रेडी तो एक ही उसका जो आ, बंदा होता था बुलाने के लिए वो ही आके उसे कहता था मैडम आपका शॉर्ट रेडी है सो इट वॉज दैट पर्टिकुलर इट इज सो नाइस सो एनी वे माई एनिक डोट विथ हुड बी दैट मेरी कास्टिंग ऑब्वियसली इज ऑल्ग इज सतीश कौशिक जी आई डिड डिट हिम वन एड माजा माजा ऐड किया था मैंने उनके लिए सो ही न्यू दैट आई एम अ गुड आर्टिस्ट मतलब महेश जी डिलीवर करते प्लस एड अ बॉडी ऑफ वर्क आई डेट हम साथ है एन ऑनलाइन तो ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल है महेश जी को लो महेश जी को लो महेश को लो तो मुझे बुलाया एक बार ऑफिस में बोला कि वी विल रिक्वायर योर टाइम आपकी डेट्स उस वक्त मेरा शरारत चल रहा था आई बिजी विद शरारत तो चंद्र बैरट जी जिन्होंने डॉन बनाई थी course, जो उस वक्त सारा टीवी को भी संभाल रहे थे तो ही वॉज इन सारा मेन हेड तो उन्होंने मुझे बुलाया बोला कि महेश जी वी वॉन्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बट डेटे चाहिए ले लीजिए बोला कि आपकी शरारत कर रहे हो कितनी डेटे मैं बोला दस दिन तो जाते हैं आठ दस दिन छोड़नी पड़ेगी वो चलता हुआ शो है मैं नहीं छोड़ सकता मैंने कह दिया विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द चैनल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू श्री देवी जी विद ड्यू रिपेक्ट ऐसे मैं मैनेज करूँगा टाइम आई विल नॉट लीव अ छोड़ूंगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी कास्ट ऑलरेडी वर्किंग ऑलरेडी शो चल रहा है शो वॉट अबाउट द प्रोजेक्ट यू नो आई एम नॉट कम्फर्टेबल डूंगे अग्री काइंड एन ऑफ टू अग्री दे सर ठीक है ठीक है बिल्कुल एडजस्ट कर लूँगा सो दैट वॉज वन थिंग तुम एडजस्ट कर लिया उन लोगों ने शूट बढ़िया हुआ था एवरी टाइम सो पहली बार जब मैं श्रीदेवी जी से मिला था वेरी हम्बल सोल वेरी स्वीट एंड पहले दिन सुहागरा पहला दिन यू कैन आई वॉज फीलिंग वेंट टू द सेट पूरे फूल वूल लगे हैं बेड है पूरा शील काम ऐसा है वैसा है एंड देन शी विल मेक मी गेट अपलमेट पहनाएगी बैग पकड़ाएगी बिकॉज प्लेइंग थर्टींथ मैन आई फू रिमेम्बर मैक

Yeah. सबके साथ बैठ के रीडिंग nice. ना के मतलब नहीं तो फिल्मों में क्या होता है आर्टिस्ट के साथ में रीडिंग करके इम्प्रूव दीन वो सब चलता था ना प्रभु देवाग ऑफ मालनीर द सॉन्ग I got to meet him also, also you know. He is very Very simple, very simple, yeah. That's, तो talented न, simple talented तो, Always. Because they They love the craft. They are not doing it for money. मैं आपको आज भी कहता हूँ आपके पास अगर अच्छा project हो ना आप चाहे किसी भी बड़े आर्टिस्ट के पास क्यों ना चले जाओ वो मना नहीं करेगा यू विल डू इट अंदर से ही इज एन आर्टिस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट आजकल में आई फील दंगस्टर्सिंग समझ yeah. नहीं गाइड करने वाला कोई नहीं है आपको कभी लगता है कि आपका फिल्म का काम थोड़ा कम है एज कम्पेयर right? फिल्म का डायनेमिक्स अलग है फिल्म का डायनामिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फोर पिलर्स, डायरेक्टर हीरो, हीरोइन म्यूजिक डायरेक्टर ये चार पिलर है फिल्म के अगर आप इन चारों में से कोई भी एक हो ना तो यू आर सेलेबल बाकी जितने भी आते हैं ना दे ऑल फिलर्स, दे आर फिलर्स सो टू गेट दैट वन ऑफ द फोर यू हैव टू टेक्निकली बी लॉन्च्ड इफ यू सी ऑल द हीरो मोस्टली जो हीरोज बने हैं बीन लॉन्च प्रॉपरली प्रोजेक्ट कौन सी फिल्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन लोग का जो करियर ग्राफ है एज बीन लिटरली लॉन्च आजकल के बात कर रहा हूँ सो वेन आई स्टार्ट जब मैंने मेरी जाने मांग की जब काला सर्च किया आई वॉज जस्ट स्टार्ट माई वर्क आई डोंक ऑफर नहीं था कुछ नहीं आई वॉज जस्ट एन आर्टिस्ट आई वॉजिस्ट एक्टिंग

ओके okay, तो मुझे याद है हमारी एक मुलाकात हुई थी आउटसाइड गुल्स ऑफिस एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड गुल जो गोरकी के हस्बैंड है क्या गुल 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 हाँ। गुलमा खान हाँ हाँ जिनके हस्बैंड गोरकी है हाँ करेक्ट तो गोरकी तो उन्होंने मेरा डाइपर चेंज किया वो अलग कहानी बताऊंगा आपको ओके ठीक है सो okay, हाँ। so, uh, हमें कास्ट किया गया था वहाँ पे एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ही वाज वेरी कंफर्टेबल आजकल भी मुझे सर बुलाते हैं

एक प्रोजेक्ट यू रिग्रेट डूइंग एक प्रोजेक्ट है रिग्रेट डूइंग डेंजरस वाला ये तो आई आई वुड से नो हार्ड फीलिंग्स काला सच क्यों इट वाज नॉट अ फिल्म वाज सोल्ड टू मी लाइक अ फिल्म एक लंगोटिया यार इंडस्ट्री से एक लंगोटिया यार इंडस्ट्री से आई वुड से <laughs> कोई नहीं यार नहीं बना पाया मैं इट्स सोखे खुद के बेस्ट फ्रेंड हो वो जरूरी है और अच्छा काम के वो जरूरी है ah, जी, है जी ठीक ट्रस्ट मी ऑन दिस वन सर ओके तू तू मेरे में शरारत तू तू में यार फर्स्ट लव फर्स्ट लव तू तू ऑर्डर बोलू टॉप थ्री का ऑर्डर क्या होगा फिर तू तू मैं फिर नंबर टू शरारत एंड नंबर थ्री इशबाज Definitely.